राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। ये ऐलान बिजली बिल से जुड़ा है। बीजेपी ने इस ऐलान पर गहलोत को घोषणावीर बताते हुए उन पर निशाना भी साधा है। पिछले बजट में मैंने घोषणा की थी 50 यूनिट जो निशुल्क दी जा रही है उसको 100 यूनिट किया जाएगा। उसके अनुसार 1 मई से ये घोषणा प्रारंभ हुई और पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में। उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को, चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी होगी, उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज हैं वो चार्ज दे जाएंगे। इस प्रकार उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी और अब वो भविष्य के अंदर 100 यूनिट पूरी तरह फ्री, 200 यूनिट अगर बिजली का कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी, उनको अब कोई फिक्स चार्ज नहीं देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज से बहुत भारी दबाव पड़ता है परिवार पर और ये फीडबैक मुझे महंगा इलाज शिविरों में मिला और जो लोग मिलना है मुझसे उनको चिंता ये थी कि ये फिक्स चार्ज के माध्यम से जो 200 यूनिट तक भी बिजली उपभोग करते हैं उनको भी तकलीफ आएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो परिवार लगभग 1,10,00,000 परिवार है उससे अधिक परिवारों को इस फैसले से राहत मिलेगी। गहलोत के इस ऐलान पर बीजेपी नेता और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की ये प्रतिक्रिया सामने आई है।